अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दराज हॉल, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हर मंथ मेरा दराज का शॉपिंग हॉल देखने के लिए, क्योंकि हर मंथ जो है वो मैं कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ। और अभी लगी हुई थी बड़ी ईद की सेल, तो मैंने कहा वाई नॉट जो है वो कुछ शॉपिंग कर ली जाए और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो मैंने की है काफ़ी सारी शॉपिंग जो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करूंगी कि कौन सी प्रोडक्ट है, क्या क्या लिया है मैंने। बहुत सारे पार्सल्स हैं, वन बाय वन हम लोग अनबॉक्स करेंगे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये है, देन है ये वाला। सबकी प्राइसेस जो है मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो है वो यहाँ पे लगा दूँ स्क्रीन पे। अगर आपने कुछ भी बाय करना होगा तो मेरा टाइटल ऐसे क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं ऐड करूंगी और कोशिश करके कमेंट सेक्शन में भी ऐड करके और जो है वो पिन कर दूंगी, ताकि आप लोग कमेंट पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट लिंक को क्लिक करें और जाके प्रोडक्ट बाय कर लें। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि दराज जो है वो स्कैम है, अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं आती। देखें, आप जब भी कोई चीज़ लेना तो उसका रिव्यू देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर बॉटल लेनी है तो वाटर बॉटल लिख के ग्लास वाटर बॉटल लिखें, फिर देखें सबसे ऊपर कौन सी प्रोडक्ट आ रही है। जो प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ रही है वो देख लें और उसके रिव्यू देखें कितने लोगों ने परचेज किया है और उसको कितने रिव्यूज़ मिले हुए हैं और प्रोडक्ट कैसी है। तो वहाँ पर सब लोगों ने रिव्यू दिए होते हैं, रिव्यू अच्छे हो तो प्रोडक्ट बाय कर ले, रिव्यू अच्छे ना हो तो प्रोडक्ट नहीं बाय कीजिएगा। और जो मैं बता रही हूँ वो प्रोडक्ट्स वैसे ही जो है वो मैंने रिव्यू देख के बाय की हुई हैं। तो जो ये आए चलें देखते हैं शॉपिंग जो जो मैंने। अच्छा जी, सबसे पहले ये हल्के वाला पार्सल है, सबसे लाइट ही लग रहा है, तो ये खोल लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। पहली चीज़ इसमें से निकली है वाइपर। हमारा किचन वाला वाइपर जो है ना वो टूट गया था, तो अब मैंने ये वाला मंगवाया है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बाहर जा नहीं रहे थे तो उस दिन मैं चीज़ें ऑर्डर कर रही थी, तो आई थॉट कि ये मंगवा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने ये मंगवाया क्योंकि घर की चीज़ें सबसे पहले, तो किचन साफ़ करने के लिए। अच्छा जी, फिर देख लेते हैं दूसरी चीज़, ये वाला, ये खोलते हैं, ये भी सबसे लाइट लग रहा है, कि इसमें से क्या निकला है। तो इसमें से निकला है ये मेबिलिन का प्राइमर। मेबिलिन पे ऑफ चल रहा है, बड़ी ईद का आप लोग बाय कर सकते हैं। मेरा ये प्राइमर ख़त्म हुआ हुआ था तो मैं सिर्फ ये मेबिलिन का लगाती हूँ। अच्छा, इसकी फर्स्ट कॉपीज़ भी सेल हो रही हैं, तो आप लोग ओरिजिनल है ये बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्राइमर है फॉर ऑल स्किन टाइप, सिलिकॉन बेस है और बहुत ज़बरदस्त है, ये बाय किया। इसी में से निकला है ये मेबिलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर, जो कि मुझसे नीचे गिरा और ये टूट गया, ये आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों ने जितने अच्छे से पैक किया था मैंने उतना ही इसको बैग सीन कर लिया है, लेकिन चले मैं आपको इसका स्वाच दिखाती हूँ अगर आप लोगों ने बाय करना हो। ये जो है ना वो बेस्ट है हाईलाइटर एवर है, मेरे पास था, मैंने शादी पे लिया था, ख़त्म हो गया, तो मैंने दोबारा ऑर्डर किया और दोबारा जब मैंने ऑर्डर किया तो ये कुछ इस तरीके से मैंने तोड़ दिया, लेकिन चले कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, राइट नाउ मैंने कोई हाइलाइटर नहीं लगाया हुआ था और अब इसकी ग्लो चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इस तरफ लगा लूंगी मैं, ये देखें, थोड़ा सा नोज पे लगा लेते हैं, चिन पे, एंड ये देख सकते हैं टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, यूज़ तो हम फिर भी इसी को करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई हाईलाइटर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो रख देते हैं। टूटा आया तो वो टूट गया मुझसे, तो वो मेरी किस्मत। फिर अनबॉक्स कर लेते हैं ये वाला पार्सल। अच्छा, इसमें क्या है गेस करें। अच्छा, इसमें से निकली हैं ये तीन चीज़ें। सबसे पहले है ये लॉरियल का हेयर हाइलोरोनिक सीरम। इसके मैंने इतने अच्छे रिव्यू सुने, इतने अच्छे, कि मैं भी इसको लेने पे जो है ना मजबूर हो गई। इस तरीके से कुछ दिखता है, मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कैसा दिखता है, ठीक है। ये निकला था और साथ में इसकी ही दो प्रोडक्ट्स मैंने और मंगवाई हैं, वो भी मैं खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, लॉरियल पर ऑफ चल रहा है, अगर आप लोगों ने लेना हो तो ले लीजिएगा। हाइलोरोनिक सीरम मैंने बहुत लोगों है, ये वाली है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है। इसके भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने थे। इसका मैं खुला हुआ है तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखती है। इसके मैंने बहुत रिव्यू सुने थे कि अच्छी नाइट क्रीम है और ये देख सकते हैं, तो मैंने कहा कि चलो यूज़ करके देखूंगी कैसी है कैसी नहीं, ठीक है। अभी तो आजकल मैं दूसरी ट्राई कर रही हूँ, फिर ये वाली ट्राई करूँगी, वो वाली मेरी ख़त्म हो जाए, ठीक है।
ठीक है जी, वो वाली लिप फार्म की यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त नाइट क्रीम है। देन मैंने मंगवाई है ये आई क्रीम, ठीक है जी, ये आई क्रीम मंगवाई है मैंने, क्योंकि डार्क सर्कल्स अभी भी शायद आपको थोड़े बहुत दिख रहे हों लेकिन अभी मेकअप में शायद छुप गए हैं, तो ये मंगवाई है मैंने लॉरियल की आई क्रीम, अब इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ। देन मैंने मंगवाया है एक और चीज़, ये भी खोल के देख लेते हैं कि कैसा आया है। अच्छा, ये जो है ये मिल्क कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास भी है तो अभी मेरी कज़न को चाहिए था। अच्छा, ये है मिल्क कंटेनर, ये मेरे पास भी है, मैंने पहले ही बताया हुआ। अच्छा, ये बहुत अच्छा मिल्क कंटेनर है, एयर टाइट हो जाता है, आपका मिल्क ख़राब भी नहीं होता। तो मैं जो है वो ज़ारा का मिल्क इसमें डाल के रखती हूँ और ये मैंने अपनी कज़न को मंगवा के दिया है, उनका है। इस तरीके से कुछ दिखता है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कोई अच्छा मिल्क वाला बॉक्स नहीं है जिसमें आप अपना पाउडर मिल्क जो है बेबी का रखते हैं तो ये वाला ले लें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर वैसे भी कुछ रखने के लिए लेना है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वाला पार्सल इसको खोल लेते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा जी, अब मैंने मंगवाया है ये वाला मग, साथ इसकी ये स्ट्रॉ। अब टुडे इज़ द फ्रूट डे, ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास एक था, वो था लेमन, लेमन बने हुए थे उसके पास ऊपर ना, तो वो मेरी अम्मी से नीचे गिरा और टूट गया, तो मैंने ये दोबारा मंगवाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के क्यूट क्यूट मग्स ना। तो ये मुझे अच्छी प्राइस में मिल रहा था तो मैंने बाय कर लिया और देखें कि बिल्कुल सिक्योर है, कहीं से भी टूटा वगैरह नहीं, बहुत अच्छे से इन लोगों ने पैक करके भेजा था, तो ये वाला है जी। फिर है हमारे पास ये वाला पार्सल, इसको खोल लेते हैं। इसके बाद एक और पार्सल है, ये दो बड़े पार्सल थे तो मैंने कहा इसको लास्ट में खोलते हैं, तो जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फिर है ये वाला ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने ज़ारा के लिए मंगवाया है क्योंकि अक्सर ज़ारा की पोनीज जो वगैरह क्लिप्स वगैरह वो इसमें रख लिया करूँगी, और भी आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो टॉयज़ वगैरह, क्योंकि जो ज़ारा की बड़ी वाली कबर्ड है ना वो ऑलमोस्ट फुल है कपड़े और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, तो फिर ये मुझे अच्छा लग रहा था और ऑफ पे भी लगा हुआ था, मार्केट में महंगा मिल रहा था, यहाँ पे मुझे सही लग रहा था तो मैंने ये मंगवाया है। और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि कैसी है, क्योंकि मैंने पहले भी दराज से मंगवाया था, क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और ये जो बहुत देर तक चलते हैं देखें, और इसमें आपका बहुत कुछ आ जाएगा, अच्छे खासे बड़े ड्रॉज हैं, अगर आपको मेकअप रखने के लिए भी लेने तो आप लोग ले सकते हैं। ये पीछे वाला किचरा थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है। तो ये वाला था, अब इसके बाद लास्ट पार्सल, और ये बहुत भारी है, उठाया नहीं जा रहा, इसको अनबॉक्स करके खोल के फिर ही दिखाती हूँ, क्योंकि ये किसी की हेल्प के साथ ही होगा, ऐसे होगा नहीं। तो ये आप लोग देख लें, ये मैंने, अच्छा गाइस, तो ये मैंने मंगवाई है, सेफ्टी टाइप है, स्टोरेज बॉक्स भी इसको आप बना सकते हैं और आगे इस बेड के आगे इसको एज अ सीटी भी यूज़ कर सकते हैं। तब मैं इसको सेट करके फिर दिखाती हूँ, वरना आप लोगों को ये समझ नहीं आना कि ये क्या है। अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरह दिखती है, इसको आप एज अ सीटी यूज़ कर सकते हैं, इस पर बैठ भी सकते हैं और एज अ स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर आप कुछ भी अगर स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्ट लगी थी, और इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए भी होती हैं ताकि दोनों तरीके से यूज़ हो जाए। क्वालिटी आप लोग देख लें, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। लाइट जा चुकी है और मेरी रिंग लाइट जो है वो ऑफ हो गई। इसी के साथ ये थी मेरी दराज शॉपिंग हॉल की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप लोग भी कुछ बताते हैं लेते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।